हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग मजे कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास ट्वेल्थ का एक चैप्टर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और काफ़ी हम लोग इन्जॉय भी करेंगे इस चैप्टर को। तो आप क्या करना है, इस चैप्टर को पूरा देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ताकि उनके लिए भी ये बेनिफिशियल साबित हो। साथ ही साथ मैं आपको इस चैप्टर में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव को भी बताऊँगा। तो आप क्या करना, उन सारे ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान से पढ़ना, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने ऑथर के बारे में। अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोनकर। मनोहर मालगोनकर वॉज बोर्न इन 1913। सम ऑफ हिज मेन क्रिएशंस आर अ बैन इन द गैंग्स, डिस्टेंस ड्राम, बॉम्बे ब्यूरोक्रेसी। याद रखना कि ऑथर से हमेशा एक ऑब्जेक्टिव पूछा करता है। पहला ऑब्जेक्टिव का बनता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ किसने लिखा है, तो आपको पता चल गया है ये मनोहर मालगोनकर द्वारा ये कहानी लिखी गई है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि वो शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। और तीसरी ऑब्जेक्टिव की ये बनती है, जैसे आपसे पूछा जाए कि बॉम्बे बियोरी किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि ये मनोहर मालगोनकर द्वारा लिखी गई है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आप इन्हें ज़रूर याद करना, ताकि आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, चलिए। तो अब हम आगे इसके राइटर के अलावा अब हम इसकी समरी की ओर पढ़ेंगे। समरी जाने से पहले मैं हमेशा बोल देता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से ज़रूर पढ़ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने समरी की ओर। अ पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय अ ग्रेट नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मनोहर मालगोनकर। मैंने आपको कहानी की शुरुआत में ही जब राइटर के बारे में बता रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया कि अ पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखी गई है। अब तक तो आपको जरूर याद हो गया होगा, मनोहर मालगोनकर द्वारा। दिस स्टोरी इज अ कॉमिकल एंड एडवेंचरस। ये जो कहानी है बहुत ही हंसी वाली कहानी, मस्ती वाली कहानी है ये। विच टाइज ऑफ रीडर्स एक्साइटमेंट अनटिल द एंड। ये इतना इंटरेस्टिंग कहानी है कि ये जो इस कहानी को पढ़ता है वो लास्ट तक इस कहानी को बहुत इंजॉय करता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो ये कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी, मैं इस कहानी को बार बार पढ़ा करता था। वन डे ऑथर्स मदर सेज टू ऑथर दैट हिज मैटरनल अंकल इज कमिंग होम। आपको पता होगा कि मैटरनल अंकल मतलब होता है मामा जी। एक दिन अचानक से जो राइटर हैं उनकी माँ कहती है, अरे बेटा, तुम्हारे मामा जी आने वाले हैं घर पे 2-3 दिन के लिए। अब जो जैसे ये का बात सुनते हैं, मनोहर मालगोनकर खाट पे छा के बैठे रहते हैं, जैसे ही सुनते हैं वो एकाएक खड़े हो जाते हैं। नानू काका वाज द मैटरनल अंकल ऑफ द ऑथर। याद रखिएगा कि नानू काका से ऑथर के रिलेशन जरूर पूछा जाता है कि नानू काका जो है वो मैटरनल अंकल थे किसके, हमारे राइटर के। याद रखिएगा, नानू काका जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, उनका नाम नानू काका है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो नानू काका की जो जो कैरेक्टर है वो किस कहानी से ली गई है। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि नानू काका जो कैरेक्टर है किससे ली गई है, हमारे चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ के द्वारा, स्नफ से। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। द नरेटर थॉट ही वुड स्टे देयर फॉर 2 or 3 days। अब नरेटर को लगता है कि जो हमारे मामा जी हैं यहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए आए होंगे, बस उसके बाद वो वापस चले जाएंगे। द ऑथर टेल्स मदर टू टेल हिज अंकल नॉट टू कम, बट ही कुड नॉट सक्सीड। सी सेड दैट ही मस्ट हैव स्टार्टेड हिज जर्नी। हमारे जो राइटर हैं, जो हमारे नरेटर हैं, वो कहते हैं, माँ आप मना क्यों नहीं कर देती मामा जी को आने से, आप कह दीजिए कि हम लोग यहाँ पे हैं नहीं। उन्हें तार लिख दीजिए, तार यानी कि एक लेटर लिख दीजिए कि मेरा यहाँ से तबादला हो गया है या मैं यहाँ से जा चुका हूँ। लेकिन माँ कहती है कि अब कोई फायदा नहीं, उनकी जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी होगी। द नरेटर रिसीव्ड हिम एट द स्टेशन। अब नरेटर जाते हैं किन्हें लाने के लिए, अपने मामा जी यानी कि नानू काका को लाने के लिए जाते हैं वो स्टेशन की ओर। नानू काका हैज़ एन इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी विद द वाइट हेयर एंड मुस्टास। आफ्टर कमिंग नानू काका सेज़ टू ऑथर टू टेक हिम टू द वेलफेयर मिनिस्टर। अब नरेटर कहाँ जाते हैं, मामा जी को लाने के लिए स्टेशन जाते हैं। और नानू काका की जो पर्सनैलिटी होती है गजब की होती है, वो एकदम
ऑरेंज कलर की पगड़ी बांधे रहते हैं और बड़ी बड़ी मुस्टास रहती है, मुस्टास यानी कि मूछे उनकी, और उनके बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो चुके होते हैं। जैसे ही नानू काका पहुँचते हैं तो नानू काका कहते हैं ऑथर से कि चलो मुझे वेलफेयर मिनिस्टर की घर की ओर ले चलो। ठीक है, द ऑथर एक्सप्लेन्स दैट ही इज ओनली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन एंड कैन नॉट अरेंज देयर इंटरव्यू। अब नरेटर कहते हैं कि देखिए मामा जी, यहाँ जो है मैं बस प्रोबेशन यानी कि मैं तत्कालीन यहाँ पे एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे लिए आपके लिए आपका जो इंटरव्यू है वेलफेयर मिनिस्टर से कराना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन हो जाता है, तो मेरे से ये नहीं हो पाएगा। द नरेटर टुक हिम टू सी वेलफेयर मिनिस्टर व्हेन दे ड्राइविंग बैक टू होम अ येलो कार पासेस अहेड ऑफ देम। ठीक है, जब नरेटर अचानक से जब वो बाहर जाते हैं नरेटर अपने मामा जी के साथ वेलफेयर मिनिस्टर के घर की ओर, तो वहाँ देखते हैं कि एक येलो कलर की एकदम स्टाइलिश सी कार जो होती है, एकदम चमचमाती हुई येलो कार उनके घर उनके गाड़ी की तरफ से पास करती है, यानी कि वो गुजरती है। ठीक है, समबडी वेव टू नरेटर, वेव मतलब होता है हाथ हिलाना, यहाँ पे कोई उस गाड़ी से हाथ हिलाता है नरेटर की ओर। नानू काका आस्क्ड हिम हु इज ही, नरेटर सेड ही वॉज रतिराम सन ऑफ सोहन लाल रतिराम द पार्टी बॉस इन दिल्ली। अब कहते हैं नानू काका पूछते हैं ये लड़का कौन है जो तुम्हारी तरफ हाथ हिला रहा था, तो वो कहते हैं अरे मामा जी ये है रतिराम है, इसका नाम रतिराम है, जो वेलफेयर क्या कहते हैं एक सोहन लाल रतिराम है जो पार्टी के जो बॉस हैं एक नेता है उनका ही ये बेटा है। ठीक है, जो पार्टी बॉस है कहाँ के, दिल्ली के ये पार्टी बॉस है। आफ्टर दैट दे मेड अ प्लान टू मीट विद द सोहन लाल रतिराम। उसकी तभी अचानक से क्या होता है, मामा जी के दिमाग में एक प्लान आता है कि हम जाके सोहन लाल रतिराम से मिलते हैं। नानू काका नोस सोहन लाल हैज़ नॉट गुड रिलेशन विद वेलफेयर मिनिस्टर बिकॉज द मिनिस्टर हैड रिफ्यूज्ड द प्रपोजल ऑफ हर डॉटर्स मैरिज विद हिज सन। नानू काका को पता चलता है कि सोहन लाल और जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं इन दोनों के रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं, क्योंकि जो हमारे वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं उन्होंने अपनी बेटी की शादी का जो प्रपोजल होता है, सोहन लाल चाहता रहता है कि उसके बेटे की शादी किससे हो जाए, वेलफेयर मिनिस्टर की बेटी के साथ हो जाए, लेकिन वेलफेयर मिनिस्टर इस प्रस्ताव को रिफ्यूज़ कर देता है। ठीक है, रिफ्यूज़ यानी कि मना कर देता है। इंस्टीड द मिनिस्टर डिसाइडेड टू मैरी हिज डॉटर टू प्रिंसेस ऑफ निन्नौर। अब मिनिस्टर डिसाइड करता है कि उसकी जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अपनी बेटी की शादी जो है ना वो निन्नौर के एक प्रिंस से करे, वो अपने एक निन्नौर के एक प्रिंस से अपनी बेटी की शादी करना चाहते रहते हैं जो वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नानू काका ड्रेस्ड हिम एंड लुक्ड एवरी इंच लाइक अ पंडित। अगले दिन क्या होता है कि फिर नानू काका के दिमाग में प्लान आता है। नानू काका क्या करते हैं, एकदम पगड़ी वगैरह बांध लेते हैं सर पे और एकदम ड्रेस लगता है जैसे वो एक पंडित है, और कहाँ चले जाते हैं, फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, ऐसा जगह जो जैसे लगा कि कोई राजा महाराजा के वो पंडित होंगे। ठीक है, व्हेन दे रीच्ड द मिनिस्टर्स हाउस ही हैड मेंशन हिज नेम इन द विजिटर्स बुक एज अ हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। वो क्या करते हैं, एकदम पगड़ी वगैरह बांध के चले जाते हैं वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ, और वेलफेयर मिनिस्टर वहाँ पर एक विजिटर बुक होता है जहाँ पर हम लोग साइन करते हैं, कभी कभी देखते होंगे कहीं जाने से पहले विजिटर बुक में अपना नाम मेंशन करते हैं, तो वो भी जाते हैं वहाँ पे और नाम मेंशन करते हैं कि वो निन्नौर के एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर मतलब जो ज्योतिष विज्ञान जो रेखा वगैरह देखता है या कुंडली वगैरह देखता है वो वहाँ पे ऐसा मेंशन कर देते हैं और अपना दिल्ली का एड्रेस वहाँ पे दे देते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी महाराजा निन्नौर के जो महाराजा हैं उनके बेटे से करना चाहते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट व्हेन आई वेक अप आई सॉ that the welfare minister having conversation with नानू काका after meeting minister नानू काका decided to go back। चलिए जैसे ही अगले दिन सुबह होती है तो narrator अपना आँख खोलते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, एक वाइट कलर की गाड़ी गेट पे लगी है और जो welfare minister है वो नानू काका से बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए नानू काका इतना दिमाग लगाते हैं कि जानते रहते हैं कि welfare minister से मिलना इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने कैसे कैसे एक प्लान बनाया और welfare minister से वो जाके मिल पाए।
अब वो मिल पाए नहीं, बल्कि वेलफेयर मिनिस्टर उनके घर पे आया उनसे मिलने के लिए। ठीक है, उनसे मिलने के बाद नानू काका डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठीक है, तो अगले दिन सुबह क्या होता है कि नानू काका वहाँ से चले जाते हैं। याद रखिएगा कि इन सब से जो ऑब्जेक्टिव बनती है, पहला है कि वेलफेयर मिनिस्टर अपनी बेटी की शादी किससे करना चाहते रहते हैं, याद रखिएगा जो निन्नौर के महाराजा उनके बेटे के साथ। ठीक है, सोनलाल रतिराम कौन रहते हैं, पार्टी बॉस रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे जो राइटर हैं वो प्रोफेशन पे ही अंडर सेक्रेटरी रहते हैं, यानी कि तत्कालीन वो अंडर सेक्रेटरी हैं, याद रखिएगा। ये सारी ऑब्जेक्टिव आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा तो जल्दी जल्दी जाके अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं, और साथ ही अपने इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक एंड हैव अ ग्रेट डे।